आज हम देखेंगे रगड़ा पैटीज की रेसिपी। मेरे घर में जिस प्रकार से बनती है मैं आपको वो रेसिपी बताऊंगा। यकीन मानिए एक बार आपने ये वीडियो देख के रगड़ा पैटीज बनाई ना तो बाजार वाली से बहुत ही ज्यादा बेहतर बनेगी। बहुत ही बढ़िया वीडियो है तो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर यह पसंद आएगा। एक बार ये देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। अभी हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहां पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। अब मैंने 1.5 कप सफेद मटर लिए हैं। आप चाहो तो जो सूखे हरे मटर आते हैं वो भी ले सकते हो, मैंने सफेद वाले लिए हैं क्योंकि ज्यादातर रगड़ा पेटीज में इसका ही प्रयोग किया जाता है। तो 1.5 कप मटर को मैंने 7 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। अब इसमें एक छोटा आलू है जिसे भी मैंने काट लिया है। आलू डालना टोटली ऑप्शनल है लेकिन आप डालोगे तो जो रगड़ा बनेगा उसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक मिलाना है। अब इसमें 1.5 कप जितना पानी मिलाएंगे। पानी आपको इतना मिलाना है कि जो पानी है वो लेवल से 1 इंच जितना ऊपर रहना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम मीठा सोडा मिलाएंगे 1 चुटकी जितना। इसे अच्छे से मिला लेना है। अब हम प्रेशर कुकर को ढक देंगे और 4 सीटी तक इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 4 सीटी होने के बाद कुकर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे चेक कर लेंगे, मटर बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक मैशर लेंगे और इसे हल्का सा मैश करेंगे। बिल्कुल भी ज्यादा मैश नहीं करना है, हल्का सा मैश करना है। अभी इसे कुछ देर के लिए हम बाजू में रखेंगे, तब तक हम पैटीज बनाएंगे। अभी एक बॉल में हम लेंगे 4 उबले हुए आलू। तो मैंने 4 आलू लेके उसे प्रेशर कुक कर लिया है और उसके बाद उसे हल्का सा मैश कर लिया है। अब इसमें मिलाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस ली थी जिसे मैंने डायरेक्ट मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लिया है। इससे पैटीज में बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग आएगा और एकदम अच्छी बनेगी। इसकी जगह पे आप पोहे भी ले सकते हो। अगर आप पोहे ले रहे हो तो 2 टेबलस्पून जितने पोहे को धोने के बाद डाल देना है। 1 कटी हुई हरी मिर्च मिला देंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला मिलाएंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर मिलाएंगे। आमचूर की जगह पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। 1/4 टीस्पून काला नमक मिलाएंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। हमने यहाँ पे काला नमक भी लिया है और चाट मसाला भी लिया है तो नमक उस हिसाब से मिलाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अभी सब कुछ अच्छे से मिला लेना है। आलू की ये जो पैटीज बनेगी वो वैसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी सब कुछ मिलाने के बाद इसमें से हम पैटिया बनाएंगे। तो हाथों में मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। ये जो पैटी बनेगी उसकी साइज अपने पसंद के अनुसार बड़ी या छोटी रख सकते हो। पहले हाथों से एक गोला बनाएंगे और उसे बिल्कुल हल्के हाथों से दबा देंगे। ये देखिए ये तैयार है। अभी इसे हम सूखे आटे में लपेट लेंगे। सूखे आटे में मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हो या चावल का आटा भी ले सकते हो। इसे एक बार अच्छे से कोट कर लेंगे। फिर से इसे अच्छे से शेप दे देंगे। अब ये तैयार है। इसी प्रकार मैंने सारी पेटियां बना ली है। अभी हम रगड़ा बनाएंगे। तो पैन में हम 2 टेबलस्पून तेल लेंगे। अभी तेल में 1/4 टीस्पून जीरा मिलाएंगे। अभी जीरे हल्के से चटकना शुरू हुआ है, अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून हींग। 1 कटी हुई हरी मिर्च है तो वो भी डाल देंगे। इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे। अभी जीरा अच्छे से चटकने लग गया है, अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून अदरक हरी मिर्च की पेस्ट। इसे भी एक बार चला लेंगे। ये स्टेज पे आप चाहो तो लहसुन की पेस्ट भी डाल सकते हो। अभी हमने जो मटर और आलू को प्रेशर कुक किया था तो वो मिला देंगे। अब ये जो रगड़ा है उसे हम अच्छे से उबालेंगे। तो अब हम इसमें 1/4 कप जितना पानी मिलाएंगे। अब हम इसमें सारे मसाले करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाएंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला मिलाएंगे। स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है, 1/4 टीस्पून काला नमक और साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया मिलाएंगे। सब कुछ अच्छे से मिला लेना है।
जब भी आप ज्यादा क्वांटिटी में रगड़ा बनाते हो तो उस समय आप एक से दो चम्मच जितना बेसन भी डाल सकते हो, और जब भी आप बेसन डालते हो तो डायरेक्ट तेल में ही डालना है, तो उससे भी रगड़ा जो है वो एकदम अच्छे से गाढ़ा बनेगा। रगड़े में आप चाहो तो प्याज और टमाटर को भी भून के डाल सकते हो, लेकिन मैं इसे ऐसा ही रखता हूँ। अभी इसे हम अच्छे से उबलने देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे। अभी ये एकदम अच्छे से उबल रहा है और ऑलमोस्ट ये तैयार है। आखिर में हम बिल्कुल इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला मिलाएंगे। आप देख सकते हो 1/8 टीस्पून जितना है एक चुटकी जितना। अभी रगड़ा तैयार है। अभी हमने जो पैटिया बनाई थी तो उसे सैलो फ्राई कर लेंगे। एक तवे पे 2 टेबलस्पून जितना तेल लेंगे। अभी गैस की आंच मीडियम रखेंगे और जो हमने पैटिया बनाई है तो वो इस पे रख देंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि इस पे अच्छा कलर ना आ जाए। अभी एक बार इसे पलट देंगे। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आया है। दूसरी साइड भी एकदम अच्छे से पक रही है। अभी ये तैयार है तो इसे हम निकाल लेंगे। अभी एक प्लेट में हम रगड़ा पैटीज बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने जो पेटियां बनाई है आलू की वो रख देंगे। इसके ऊपर रगड़ा डाल देंगे। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। अब बारी आती है चटनियों की, तो सबसे पहले हरी चटनी डालेंगे। ये जो तीनों चटनियां है उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो आप जरूर देखिएगा। अब इसके ऊपर लहसुन की चटनी डालेंगे और आखिर में मीठी चटनी मिलाएंगे। चटनियां आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। ऊपर से बेसन की सेव डाल देंगे। तो यहां पे मैंने एकदम बारीक वाली सेव ली है। थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। हरा धनिया डाल देंगे और आखिर में बिल्कुल थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएंगे। तैयार है एकदम बढ़िया ऐसी रगड़ा पैटीज। रगड़ा पैटीज की ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, आपके घर में सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ आपके फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और एक मस्त रेसिपी के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।